सोनम कपूर, अहूजा, अनुराग कश्यप, रिया कपूर, इन सभी लोगों ने मिलकर तकरीबन 2500 यानी 2500 लोगों ने मिलकर एक पेटिशन साइन करी है रिया चक्रवर्ती के फेवर में। जी हाँ, जो अनफेयर मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं उसको लेकर। अब इस पेटिशन में क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दो आपको कि सोनम कपूर, अनुराग कश्यप द्वारा साइन की गई इस पेटिशन में लिखा हुआ है कि मीडिया वॉज एंड द पीपल वर काइंड इनफ टूवर्ड्स सलमान एंड संजय दत्त। जब सलमान खान पर केसेस चल रहे थे तब पब्लिक तभी भी उन्हें पूज रही थी, मीडिया तभी भी उन्हें पूज रही थी। जब संजय दत्त पर केसेस चल रहे थे मीडिया तब भी उन्हें पूज रही थी और पब्लिक तभी भी उन्हें भगवान मान रही थी। तो जब सलमान और संजय दत्त के वक्त इतना अनफेयर ट्रायल नहीं हुआ था, इस तरीके का एक विच हंट नहीं हुआ था या एक मैन हंट नहीं हुआ था, तो फिर रिया चक्रवर्ती के केस में इस तरह का विच हंट क्यों हो रहा है? रिया चक्रवर्ती गिल्टी है कि नहीं है, ये तो बात की बात है, लेकिन उन्हें एक विच बना दिया गया है। उनके खिलाफ लगातार मीडिया में गलत बातें हो रही है कि एक औरत को ऐसा नहीं होना चाहिए, यू नो घर तोड़ने वाली औरत है, और इस तरह की तमाम बातें हो रही है रिया चक्रवर्ती के बारे में। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के मर्डर के केस में जेल में नहीं गई हैं। वो ड्रग्स के एक रैकेट, मिनी रैकेट या ड्रग्स के कंजप्शन, ड्रग्स के सप्लाई, बिना पूछे ड्रग्स देने में, इन सभी चीज़ों के अंदर उन्हें अरेस्ट किया गया है थ्रू एनसीबी। अब यहाँ पर ये जो पेटिशन है, यहाँ पर फेमिनिज्म को घुसाना कि एक फेमिनिस्ट के साथ आप ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक औरत को आप ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, अ पर्सन हुज एट फॉल्ट इज एट फॉल्ट, डिसरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो औरत है या आदमी है। बट यहाँ पर बॉलीवुड जो है बहुत ही कन्वीनियंटली उन्होंने फेमिनिज्म जो टॉपिक है उसको घुसा रखा है। अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर्स जरूर बताइए कि क्या कुछ आपकी राय है सोनम कपूर और अनुराग कश्यप और इन सभी लोगों ने मिलकर ये जो पिटीशन साइन की है फेमिनिस्ट के ऊपर, ये आप मुझे बताइए कि आपकी राय क्या है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली जो मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं हर चीज़ का एक तरीका होता है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें फेमिनिज्म को घुसाना कहाँ तक सही है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।